दिल्ली के छावला इलाके में स्कूटी पर जा रहे दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक महिला की पहचान 45 साल की मीना के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मरने वाले व्यक्ति की पहचान मीना के भतीजे शरद के तौर पर हुई है। इस डबल मर्डर को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। एक महीने पहले ही रोशनपुरा में दिनेश नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मीना के बेटे अंशुल पर है। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में बीती रात आग लग गई। आग की वजह से कई दुकानें पूरी तरह खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में मंडी चुनावों के नतीजों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अस्थायी रोक लगा दी है। चुनाव पिछले साल दिसंबर में हुए थे। इन चुनावों में 18 सीटों में से 14 आम आदमी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीती थी। एलजी को शिकायत मिली थी कि चुनाव के दौरान धांधली की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी आज से घर घर पहुंचने का अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का नाम घर घर दस्तक रखा गया है। पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में हर घर के लोगों से मिलेंगे। अनाधिकृत कॉलोनी और झुग्गियों के मतदाताओं पर इस अभियान का ज्यादा जोर रहेगा। दिल्ली मेट्रो ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 खत्म होने से दो दिन पहले तक 100 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। इस दौरान रोजाना औसतन 28 लाख लोगों ने मेट्रो में यात्रा की। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले यात्रियों की संख्या में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी के बाद मुंबई में अपराध के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। नोटबंदी के बाद के तीन महीने यानी नवंबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 के दौरान पिछले साल के इसी समय के मुकाबले अपराध में 20-25% की कमी दर्ज की गई है। हत्या, हत्या की कोशिश, चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले में इस दौरान कमी दर्ज की गई है। नोटबंदी की वजह से अंडरवर्ल्ड पर भी असर पड़ा। इस दौरान जबरन वसूली के मामलों में कमी आई। हालांकि इस दौरान रेप के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मुंबई में पुलिस भर्ती के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों नौजवानों को सड़कों के किनारे सोना पड़ रहा है। तेज गर्मी और मच्छरों के काटने के बावजूद उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। 29 मार्च से चालू भर्ती प्रक्रिया के तहत एक दिन में 6000 से ज्यादा छात्रों का टेस्ट नहीं हो सकता। बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ को अपने सरनेम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया के कर्मचारी से बदसलूकी करने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ समझकर उन्हें हैदराबाद और दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। सुनील ने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से इस मामले में शिकायत की है। ऑनलाइन डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल द वायरल फीवर के सीईओ अरुणाब कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का एक और केस दर्ज किया गया है। मुंबई के वर्सोवा थाने में पीड़ित ने अरुणाब की शिकायत की थी। इससे पहले बुधवार देर शाम मुंबई के MIDC थाने में एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अरुणाब के खिलाफ छेड़छाड़ का पहला केस दर्ज किया था।